हेलो एवरीवन मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का कर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में जैसा कि हम सभी को पता है कि सी टैग की ऑनलाइन परीक्षा में हमसे दो तीन सेट में यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एन 2020 जो है इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में यहाँ पे एन में हमें क्या क्या पॉइंट हमें दिए गए ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके अलावा इसकी जो पी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर है आप चाहें तो वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमें ये बोला गया कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसे यहाँ पे हमें बनाना बनाना है बनाना है और हमें क्या करना है सिलेबस सिलेबस को जो एसेंशियल है हम लोगों को वही चीजें रखनी है जो जरूरत की है और हमें यहां पे सिलेबस को रिड्यूस करने की बात की गई है इसके अलावा यहां पे बताया रखा है कि हम लोगों को जो लर्निंग कराना है जो अधिगम कराना है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए यानी कि बच्चा करके सीखे लर्निंग बाई डूइंग पे फोकस किया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी है पहला पॉइंट इसके अंदर हम लोगों को यह बताया गया इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो स्कूल सिस्टम है इसके अंदर हमारा जो पैटर्न अभी तक चलता था जैसा कि हम लोगों को पता है ये टेन प्लस टू का सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है हमारे स्कूल एजुकेशन में पर यहाँ पे हम लोगों को इसे रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है और क्या बोला गया है कि हम लोगों को अब जो पैटर्न बनाना है वो फाइव प्लस थ्री का ये पैटर्न बनाना है अभी क्या है इसको ज़रा देखते हैं पहले ये जो फाइव है ये ऐसे एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए जो कि तीन से लेकर आठ वर्ष तक के हैं और इनके लिए यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पे बताया गया है यानी कि इनका आधार हमें रखना है इसके बाद ये जो थ्री है ये थ्री ये आठ से लेकर ग्यारह वर्ष तक के जो बच्चे होंगे इन्हें यहाँ पे प्री प्रिपरेटरी स्टेज में रखा गया है यानी कि अभी इन्हें तैयार किया जा रहा है आगे के लिए इसके अलावा अगला ये जो थ्री है ये ग्यारह से लेकर चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए जो यहाँ पे मिडिल एज में आ जाते हैं जो कि आप कह लीजिए जो आपके सिक्स क्लास से ऊपर के जो बच्चे होते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो अगले ये जो चार यहाँ पे है ये आपका चौदह से लेकर अठारह वर्ष यानी कि सेकेंडरी जो हमारे जो उच्च प्राथमिक स्तर आते हैं उनके बच्चों के लिए ये रखा गया है तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को डिज़ाइन करने की बात की गई है अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एन ने हम लोगों को बोला हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी हम लोगों को यहाँ पे प्रमोट करना है यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन हम लोगों को बच्चों को देनी है ताकि बच्चे का फाउंडेशन यहाँ पे बन सके यानी कि हम लोगों को फर्स्ट क्लास से पहले जो हमारी जो क्रैच वगैरह की क्लासेस होती है हम लोगों को वो भी प्रमोट करना है ताकि बच्चों के स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ और चीज़ें यहाँ पर बता रखी है द प्री स्कूल चिल्ड्रेन शुड ऑल्सो गिव बेनिफिश फ्रॉम द मिड डे मील प्रोग्राम तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन होंगे उन्हें यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी देने हैं जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम की बात की गई है इसके अलावा अगले पॉइंट में बोल रखा है कि स्टूडेंट जो होंगे जो आपके क्लास फिफ्थ तक के अंडर के होंगे उन्हें यहाँ पे हम लोगों को उनकी मदर टंग में पढ़ाना है और या फिर उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे जो क्लास फिफ्थ तक के बच्चे हैं उन्हें या तो उनके मदर टंग में पढ़ाइए या तो उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए ये बात बोली गई है इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे इन गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्री करनी है जैसे फ्री ब्रेकफास्ट की बात की गई है और यहाँ पे फ्री लंचेस की बात की गई है और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे किस तरीके से अंगेज हों बच्चे किस तरीके से स्कूल में आए इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करने की यह बेसिक चीज़ें बात बोली गई है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हमें एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि क्लास सिक्स के ऑनवर्ड यानी कि क्लास सिक्स के जो बड़े बच्चे हैं उनमें हम लोगों को क्या करना है वोकेशनल एजुकेशन भी देना है तो देखिए वोकेशनल एजुकेशन से फायदा ये होगा कि ऐसे काम जो बच्चा खुद कर सकता है जिससे फ्यूचर में जाके वो अर्न कर सके वो अपने लिए एक तरीके से बेस बना सके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज तक नहीं उन्हें रखना हमें उन्हें वोकेशनल एजुकेशन देनी है ताकि वो हैंड ऑन एक्टिविटी से करके कोई चीज़ सीखे और साथ ही साथ फ्यूचर में उन्हें वो चीज़ काम आए आई होप ये जो एन के अंदर हम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे एक शॉर्ट वीडियो है ताकि अगर आप लोगों के परीक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने ऑप्शन को टिक करें आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाय बाय। टेक केयर